तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि ये प्यासी मछली है जो कि मैं मार्केट से लाया हूं दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं कि इसको मैं कट पीस करवा कर और इसको अच्छे तरीके से वॉशिंग कर रहा हूं। ये आप देख सकते हैं इसके चर्बी भी यहां पर और अंडे दोनों के साथ है। और मछली खाने का मजा दोस्तों इसी टाइम काफी ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि बरसात का टाइम चल रहा है ना, तो खाने में मजा आता है। यहां पर आप देख सकते हैं इसकी धुलाई चालू है यहां पर वॉशिंग। और ये देखिए भैया साहब इतना ब्लड इसके अंदर रहता है ना, लेकिन कांटा इसमें एक ही रहता है। ज्यादा कांटेदार मछलियां पसंद नहीं थी बहुत लोगों को, हालांकि मुझे ज्यादा पसंद नहीं थे क्योंकि सिंपल एक ही कांटा रहता है तो सही रहता है। ये भैया प्यासी मछली, और प्यासी मछली इसका मुंडी कहाँ गया? ये पूरा प्यासी मछली है और मछली पूरा बनाया गया है क्योंकि चिकन मटन और चिकन हांडी चिकन करी ये बहुत बनाकर हम लोग देख चुके हैं, लेकिन अब बनाए गए मछली, वो भी प्यासी मछली जो नदी में पाई जाती है। और इसकी धुलाई चालू है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे हाथ में दोस्तों प्यासी मछली है। इसको मैं तीन पानी से धोऊंगा, यानी तीन बार उसको धो लूंगा अच्छे तरीके से ताकि इसका जो ब्लड रहेगा निकल जाएगा, तब जाकर खाने में मजा आएगा और टेस्टी भी रहेगा। इसको फ्राई भी करेंगे हम और आपको दिखाएंगे। ये रहा दोस्तों इसका अंडा चर्बी, और मैं आपको अच्छे तरीके दिखाऊंगा दोस्तों जैसा मैं दोस्तों यूट्यूब पर देखा हूँ कि कैसे लोग फिश करी बनाते हैं। तो पहले इसको मैं अच्छे तरीके से देख कर यूट्यूब पर उसके बाद बनाता हूँ। तो आज का दोस्तों ब्लॉग है फिश करी ब्लॉग, तो देसी स्टाइल में बनाया गया हम फिश करी। तो देखिए इस पूरा ब्लॉग को। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा प्यासी मछली जो है धुल कर रेडी हो गया है। अब इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा हल्दी, और यहाँ पर चर्बीदार है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि मछली के अंदर चर्बी भी है और अंडे भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है। ये देख सकते हैं ये जो है चर्बी है, इसको अलग रखता हूँ और एक एक पीस करके दोस्तों इसको अच्छे तरीके से पहले मसाला के साथ हल्दी के साथ और मसाला जो भी रहेगा मिला उला कर सब इसको फ्राई करेंगे हम, और उसके बाद थोड़ा खाएंगे टेस्ट भी करेंगे मजा भी आएगा। और मैं इस टाइम दोस्तों मछली का टाइम चल रहा है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मसाला है अपना, अदरक है प्याज है, ये आप देख सकते हैं इसका कटिंग चालू है क्योंकि मछली का मसाला अलग होता है दोस्तों। क्योंकि चिकन मटन का अलग होता है लेकिन मछली का मसाला अलग होता है, इसको अलग से मसाला तैयार करना पड़ता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आज बनाएंगे फिश करी, और ये देखिए अपना सब रेडी हो चुका है, मसाला वसाला सब दे दिया गया है। अब इसको रेडी करके उसके बाद फ्राई करते हैं, और वो भी ट्रक ड्राइवर स्टाइल में खतरनाक तरीके से एकदम, और पसीना पूरा हो रहा है दबा कर एकदम। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि तेल अपना दोस्तों गरम हो चुका है। अब हम डालते हैं दोस्तों एक ही साथ। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने जो है मछली के पीस को दोस्तों हमने तीन चार पीस रख दिया दोस्तों, और छानने के लिए और इसको फ्राई करने के लिए। तो पहले इसको हम फ्राई कर लेते हैं, देन उसके बाद जो है अच्छे तरीके से पहले इसको फ्राई करेंगे, तब जाकर इसके अंदर पूरा पेस्ट वोस्ट मिलाकर मसाला देकर तब जाकर खाने में मजा आएगा। क्योंकि मछली खाने का मजा तो कुछ अलग ही होता है दोस्तों, और मछली बनाने का तरीका भी कुछ अलग होता है दोस्तों। क्योंकि सभी लोग मछली बनाने का तरीका सबके पास अलग अलग होता है दोस्तों, और थोड़ा मसाले का अंतर होता है। और जो कि देख सकते हैं दोस्तों ये खौलता हुआ तेल, और खौलते हुए तेल में दोस्तों मछली। और ये देखिए भैया, क्योंकि मछली उड़ता भी है ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि फ्राई करते समय दोस्तों बहुत छींटा आता है, मतलब आँख पे या कहीं भी लग जाता है ऐसा होता है, तो इसको बहुत संभाल कर दोस्तों फ्राई करना पड़ता है मछली को। मछली हुआ अंडा हुआ ये दो बहुत खतरनाक और बहुत डेंजर होता है। जब इसको फ्राई करेंगे तो आपने कई बार इसको जलता हुआ तेल आपके सर पे या कहीं आँखों पे या कहीं कहीं मुंह फेस पे आता जरूर होगा, इसलिए दोस्तों सेफ्टी के साथ फ्राई करिए और मछली का एंजॉय लीजिए, खाइए पीजिए। क्योंकि ट्रक ड्राइवर लोग बहुत अच्छे तरीके दोस्तों मछली बनाते हैं, यानी चिकन मटन जो भी है बहुत तगड़ा तरीके से बनाते हैं, तो उनका ही देख कर दोस्तों मैं इंस्पायर हुआ, और उसके बाद बोला कि चलो आज उनके जैसा ट्रक ड्राइवर जैसा स्टाइल में आज बनाते हैं फिश करी। और इसके देखिए हल्का हल्का इसको पहले इसको फ्राई कर लेते हैं आधा, क्योंकि पूरा फ्राई नहीं करेंगे हम, मतलब अधकच फ्राई करेंगे, मतलब आधा पका हुआ आधा नॉर्मल ऐसा हम फ्राई करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्राई अपना रेडी है, और फ्राई करके दोस्तों इसको हम लोग थोड़ा स्टेप बाई स्टेप निकालेंगे, देन उसके बाद मसाला मिलाकर अलग से, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले बताया था कि मछली का मसाला अलग होता है, चिकन का मसाला अलग होता है, मटन का अलग होता है, चिकन सीख कबाब का अलग होता है, यानी सब हर चीज़ का दोस्तों मसाला अलग होता है, सब्जी के जैसे अलग होता है सेम इसका मछली का भी मसाला अलग होता है।
है ना बात। आपने देखा भी होगा, आपके घर में बनता होगा तो इसका मसाला अलग पड़ता है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि अपना फ्राई रेडी है और फ्राई चलते ही जा रहा है, क्योंकि इसको मैं ज़्यादा नहीं डालूंगा क्योंकि तेल अपना कम है ना। और उसके बाद मैनेज करते हुए और इसको हम निकालते हैं, क्योंकि देखिए पूरा निकालेंगे। अब इसके निकालने के बाद तब जाकर इसको जो है अलग से रखते हैं और एक आध दो पीस खाने के लिए इसको हम अच्छे तरीके से पहले फ्राई कर लेंगे, ताकि टेस्ट भी देखते हैं कि टेस्ट है कैसा। और इसको ऐसा नहीं कि मतलब एक ही बार छोड़ दो पक जाए, ऐसा नहीं। इसको जो है दोस्तों स्टेप बाय स्टेप देखना ही पड़ता है कि ज़्यादा पका तो नहीं ना ज़्यादा, क्योंकि गलता भी है ना ये मछली, मछली गलता है ज़्यादा फ्राई करने का तो मछली गल जाए, क्योंकि अपने पास वो व्यवस्था नहीं है जिससे कि मछली टूटे ना। क्योंकि बहुत लोग मछली तोड़ देते हैं फ्राई करते टाइम, तो मैं भी बहुत ध्यानपूर्वक दोस्तों इसको मछली को मैं फ्राई कर रहा हूँ, फ्राई करने के बाद ताकि मछली टूटे ना, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा ना, क्योंकि सालन में जब लगता है ना दोस्तों ख़राब हो जाता है। इसके वजह से दोस्तों मैं थोड़ा इसको अच्छे तरीके से पहले हल्की आँचों पर दोस्तों इसको पकाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्राई करने में यार पसीना पसीना निकल जा रहा है, हालत ख़राब हो जा रही है यार। देखिए जैसा कि यहाँ पर फ्राई हो रहा है अपना, फिश करी बनाएंगे आज, वो भी ट्रक ड्राइवर स्टाइल में पूरा बनाएंगे, और पसीना तो पूरा हालत ही ख़राब कर दे रहा है एकदम बनाते बनाते। हे भैया, अब लास्ट फ्राई चल रहा है, क्योंकि अब ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं कि अब इसको लास्ट है। अब इसको भी हल्के हल्के आँचों पे इसको पकाते हैं और दो तीन पीस जो रहेगा उसको अच्छे तरीके से दोस्तों फ्राई कर लेंगे और खाने में देखते हैं कैसा लगता है, क्योंकि हमने नमक डाल रखा है। और आप देख सकते हैं दोस्तों मैं ज़्यादा इसको फ्राई नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए ज़्यादा फ्राई करने पर टूटता है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये देखिए जो यहाँ पर देखिए निकल रहा है, इसको अच्छे तरीके से फ्राई नहीं कर पाएंगे तो फिर टूटता है। इसलिए दोस्तों इसको हल्की हल्की आँचों पर और ज़्यादा नहीं फ्राई करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा फ्राई करेंगे तो भाई साहब नुकसान तो होगा अपना ही, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा, टाइट नहीं रहेगा ना, जब गलने लगता है ना ये। तो अभी अपना लास्ट है जो कि आप देख सकते हैं, और ये रहा अभी अपना पूरा फ्राई वाला पीस, यहाँ पर मछली का पूरा फ्राई पीस हो चुका है दोस्तों। अब इसको दोस्तों हम लोग अब पेस्ट वेस्ट मिलाते हैं अच्छे तरीके से, ताकि जो है क्योंकि इसका टाइम आ चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि अपना प्याज है और हरा मिर्च है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना। अब ये देखिए हरा मिर्च और प्याज, इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद पहले प्याज को अच्छे तरीके से पहले भून लेते हैं। भूनने के बाद दोस्तों को अच्छे तरीके से हम पहले, जब प्याज लाल हो जाएगा तब जाकर इसको दोस्तों हम मसाला डालेंगे। यहाँ पर देखिए इसी तेल में डालेंगे दोस्तों हम, इसी तेल में। और यहाँ पर अपना प्याज है जो कि मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए डालने की बारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैं प्याज और हरा मिर्चा को एक बार डाल दे रहा हूँ, ताकि जो हल्के हल्के आँच ऊपर दोस्तों ये अपना लाल हो जाए। जब प्याज लाल हो जाएगा तब जाके दोस्तों जितना मसाला है दोस्तों मछली का इसको डालेंगे हम, क्योंकि इसको थोड़ा चलाएंगे भी, क्योंकि चलाएंगे नहीं तो प्याज जल जाएगी। तो इसको भी ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ा ही पकाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लाल करेंगे तो खराब हो जाएगा। तो इसको अब हल्के आँच पर छोड़ दिया हूँ दोस्तों यहाँ पर, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा देखते रहूँगा, ताकि जो भी हल्के हल्के लाल हो जाएगा ये अपना प्याज और हरा मिर्च, तब जाकर डालेंगे पूरा पेस्ट, नहीं तो फिर खराब हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा ना बात, और खाने में टेस्टी भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा दोस्तों मछली को फ्राई नहीं किया हूँ, आधा फ्राई किया हूँ आधा कच्चा है मेरा। जब मसाला पूरा रेडी हो जाएगा दोस्तों, जब मसाला को अच्छी तरीके से पूरा भून लूँगा तब जो कि दोस्तों इसको डालूंगा मैं, जितना मछली है जितना मछली को फ्राई किया हूँ वो सारी मछली को दोस्तों इसमें डाल दूंगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों अपना पूरा पेस्ट है मछली का, इसमें जो दिखाया दोस्तों अदरक लहसुन और तमाम तरह की चीज़ दोस्तों इसके अंदर डाली जाती है मछली में, आप जानते हैं दोस्तों। और ये देखिए अपना भैया ये भी रेडी है, अब इसको चिकन करी आता रहा है। ये देखिए राजेश मसाला, बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों कि चिकन का जो मसाला होता है वही डालते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको जो है मछली का मसाला ही डालना चाहिए जब आप बनाते हैं तो। आर राजेश ब्लॉग, ये भाई साहब यहाँ पर देखिए अब इसको हम डालते हैं, क्योंकि अब बारी आ चुकी है दोस्तों मसाले के साथ पकने की। और ये देखिए अपना प्याज भी दोस्तों लाल हो चुका है, अब हम डालने की बारी शुरू करेंगे। अब डालते हैं दोस्तों, अब फिलहाल भून लेते हैं, उसके बाद ही डालेंगे, क्योंकि मसाला जब भुनेंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना, तब तो बेकार हो जाएगा। तो ये देखिए अपना प्याज लाल हो गया है, अब डालते हैं मसाला। मसाला डालने के बाद जब मसाला पक जाएगा तब जाकर डालेंगे हम, जितना भी रहेगा मछली सब डाल देंगे, और हल्की हल्की आँचों पर दोस्तों इसको छोड़ देंगे हम। ये देखिए तेज पत्ता है, इससे थोड़ा टेस्टी बढ़ जाता है और स्वाद अनुसार मज़ा भी आता है खाने में। और आपने बहुत सारे दोस्तों आपने मछली बनाया भी होगा और खाया भी होगा, तो ये भी हमारा दोस्तों है देसी लाइफ स्टाइल और ट्रक ड्राइवर स्टाइल, गांव देहात में दोस्तों ऐसा ही बनता है ना ये सब चीज़ें, क्योंकि बहुत लोग बनाने का तरीका अलग होता है, तो मेरा भी तरीका अलग है दोस्तों मछली बनाने का, चिकन बनाने का, मटन बनाने का, ऐसा ही रहता है दोस्तों, चलता रहता है। प्याज अब लाल हो चुका है, अब डालते हैं मसाला को अच्छी तरीके से भूनते हैं, उसके बाद
क्या करेंगे, मछली को जो है डालेंगे, मसाला जब हो जाएगा तो मछली को डाल देंगे मसाले के साथ, लपेट देंगे। अब धीरे में धीमे आँच पे वो पकेगा, उसके बाद फ्रेश बनेगा फिश करी, है ना बात। और गर्मी तो आप देख ही रहे हैं कि भाई साहब गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी का माहौल चल रहा है, और इसी में खाने का मज़ा आएगा। चिकन नहीं बल्कि मछली, मछली भात खाएंगे हम लोग। ये देखिए दोस्तों, अब ये जो है, अब इसकी बारी दोस्तों मसाला डालने की। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो भी मछली का मसाला था दोस्तों, इसको मैं दोस्तों डाल दिया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मछली का पेस्ट जो है, मसाला जो है अपना रेडी था, और इसको डाल दिया हूँ। पता नहीं और लोगों का दोस्तों वीडियो इतना जल्दी कैसे फास्ट, मतलब कि बनाते हैं लोग कि फटाक से मछली काट देंगे, उसके बाद फ्राई कर देंगे, ऐसा वैसा। मुझे तो बनाने में 10 मिनट लग गया इसको यार, इसको ये सब करने में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई अपना स्टाइल में दोस्तों बन रहा है अपना। और ये देखिए सब जितना मसाला छूटा हुआ था इसको भी डाल दिया हूँ दोस्तों। अब ये देखिए राजस मसाला को भी डाल दिया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीट मसाला है, ये देखिए जो छूटा हुआ था, थोड़ा ऐसा कम लग रहा था तो इसको मैंने डाल दिया हूँ राजस मसाला। और ये देखिए धीरे धीरे आँचों पर दोस्तों पकेगा, जब मसाला पक कर रेडी हो जाएगा दोस्तों तब डालेंगे हम मछली को, क्योंकि अगर इसके साथ ही डाल देंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा और खाने में मज़ा भी नहीं आएगा ना बात, है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको पूरा पैकेट का ही मैं डाल दिया हूँ मसाला, ताकि इसे जायका जो है ना, टेस्ट जो है बढ़ जाएगा और बहुत मज़ा आएगा, स्वाद इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ना, खाने में मज़ा आएगा। तो इसको दोस्तों मैं हल्की हल्की आँचों पर इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ताकि ये पके। जब मसाला पूरी तरह से पक जाएगा मछली का, तब जो इसको डालूँगा मैं मछली को, और खाने में वो लजीज होगा। ये देखिए कितना गाढ़ा मसाला है, और इसको थोड़ा देर तक रोक देते हैं, रोकने के बाद पहले पक देते हैं, पकाने के बाद दोस्तों जब इसको डालेंगे हम मछली को। तो भाई साहब मेरा वीडियो तो बहुत लंबा हो जा रहा है, लॉन्ग हो जा रहा है, तो क्या करूँ मैं, मुझे उतना आता नहीं खास वीडियो बनाना, तो जैसे तैसे मैं दोस्तों बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये देखिए मसाला अपना पक रहा है, तो जो भी रहेगा दोस्तों धीरे धीरे आ जाएगा, सबको सीख लेंगे। और ये देखिए अपना मसाला भी अब धीरे धीरे पकना शुरू हो गया है, जब पूरी तरीके से पक जाएगा, मसाला लाल हो जाएगा, मतलब जो मसाला रेडी हो जाएगा तब, क्योंकि सबसे बड़ी दोस्तों कला होती है मसाले के अंदर। तो अब मसाला को पकने देते हैं, पकने के बाद उसको डालेंगे हम मछली को। तो कैसा लगा अपना ये ब्लॉग मछली वाला और ट्रक ड्राइवर स्टाइल में, तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अभी देखिए अभी इसको छोड़ दिए हैं पकने के लिए मसाला को, और थोड़ा हवा ले लेते हैं पंखा में जाकर, तब तक थोड़ा वेट करते इसके लिए। मसाला भी अपना धीरे धीरे पक रहा है, और टमाटर को पहले थोड़ा देर में डाले हैं, ताकि जो है अपना आराम आराम से गलेगा टमाटर। देखिए भैया अपना करी जो है तैयार हो रहा है, अपना करी जो है मछली के लिए करी जो है तैयार हो रहा है, ट्रक ड्राइवर स्टाइल में बना रहा हूँ भैया एकदम ज़बरदस्त तरीके से, देसी तरीका ट्रक ड्राइवर स्टाइल अपना कर। करी जो है रेडी हो रहा है एकदम, और बनाएंगे पूरा गाढ़ा एकदम, ताकि खाने में मज़ा आ जाए, खाने में मज़ा आना चाहिए, स्वाद आना चाहिए यार, सबसे बड़ी बात स्वाद है। जब स्वाद ही नहीं है खाना में तो फिर बेकार है, सबसे बड़ी बात तो ये है, खाने के लिए सबसे अच्छा स्वाद है। बिल्ली घूम रही है भैया, बिल्ली भाग गई, देखिए मछली खाने के लिए रेडी है। मसाला पक चुका है अपना रेडी, मसाला पक गया भैया, फिश के लिए मसाला पूरा पक चुका है, करी अपना तैयार है। अब डालते हैं मछली को, क्योंकि मसाला अपना पक चुका है, अब मछली को भी डालते हैं, उसके साथ लपेटते हैं बढ़िया से एकदम खतरनाक तरीके से, उसके बाद पानी डालेंगे। अब डालने की बारी है भैया मछली को, मछली को डाल देते हैं, और उसके बाद अब डालते हैं पकाते हैं। तो मछली डालने की बारी रेडी, पसीना पसीना ज़्यादा, अरे बाबा मेरा दीदी देखा भी डालते हैं। भैया मछली धीरे धीरे डालते हैं, और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से जो है
घूमते हैं। मछली अपना सब रेडी हो चुका है। मछली खाना बहुत बढ़िया है। चिकन उकन यार बेकार है सब। चिकन उकन नहीं खाना चाहिए। चिकन खाओ लेकिन देसी वाला, पूरा जो देसी गांव का होता है ना वो खाने मजा आता है। ये सब फार्म वाला जो मुर्गा मिलता है ना वो सब बेकार होता है, उससे बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मछली से क्या होता है ना कि खाने पीने मज़ा आता है और इससे टेस्ट भी रहता है। जैसे कि इसमें डाल रहे हैं बढ़िया से, इसको डाल देते हैं एक साथ। अब एक साथ डालने के बाद दोस्तों इसको कुछ देर के लिए थोड़ा छोड़ देते हैं हल्की हल्की आंचों पर, पकेगा नहीं तो ज़्यादा आंच अगर तेज कर देंगे तो ये मछली ख़राब हो जाएगी और सारा खेल अपना ख़राब हो जाएगा। जो इतना मेहनत हुआ इसके ऊपर मछली के ऊपर वो सब बेकार हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग हल्के हल्के आँच पर इसको दोस्तों पकाएंगे और मसाला को लपेटते हुए और इसके एक साथ पूरा थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जो है ये हल्का हल्का पक जाएगा। जो हमने क्योंकि कच्चा फ्राई किया था ना, मैंने पूरा पक्का नहीं फ्राई किया था, कच्चा फ्राई किया था, तो इसके वजह से दोस्तों इसको थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि पानी डालने के बाद ये हल्की हल्की आँचों पकेगा तब जाकर ये पूरा बन जाएगा फिश करी रेसिपी अपना, वो भी देसी स्टाइल में। अब इसको हम लोग ढक देते हैं थोड़ा देर के लिए। अब डाल दिया है, अब थोड़ा देर तक इसको थोड़ा हल्की हल्की आँचों पर इसको पकने देते हैं, उसके बाद पानी डालते हैं। तब तक के लिए आप लोग सो जाइए क्योंकि रात हो जाए, खाने पीने का सो जाता है इंसान।